आप देख सकते हैं ये जो है त्रिशा है, और त्रिशा के अभी नेबुलाइजर लगाया जाएगा। वायर पीछे होती है नेबुलाइजर में, तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग नेबुलाइजर छोटे बच्चे पे, ये छोटा बच्चा है। ये देखिएगा एक सेकंड, ये वाला कैप्सूल यहाँ से निकालना पड़ेगा इसे, बाकी आपका हर अच्छा इसमें कैप्सूल आते हैं, इसमें ये रखो बैग में, कहीं में रख लो, तो इसमें कैप्सूल आते हैं, ये देखिएगा ऐसे करके टूट गया ये कैप्सूल, हमने खोला है। बच्चे को नेबुलाइजर कैसे लगाना है, तो ये इन्होंने इसमें दवाई डाल दी इन्होंने नेबुलाइजर में कैप्सूल की, और फिर इसे कैप्सूल को बंद कर दिया, और फिर ऊपर ऊपर फिर इसमें नेबुलाइजर लगा दिया, और ये छोटे बच्चे को, छोटे बच्चे को ये लगा दिया इसमें। इधर किधर बटन है सर? ये इसका ऑन करने का बटन है, ऑन किया, एक एक छोड़ के ऑन कर दो, हाँ एक छोड़ के ऑन कर दो, ऑन कर दो। अब ये नेबुलाइजर इसका स्टार्ट हो गया, ये एक भाप भाप देता है, गर्म भाप देता है, जिससे बच्चे को जुखाम खांसी में ये नेबुलाइजर देते हैं, तो बहुत आराम मिलता है जुखाम खांसी में बच्चे को नेबुलाइजर देने में। 10 मिनट तक नेबुलाइजर बच्चे को देना होता है। ये त्रिशा की मम्मी है इस समय, इसको नेबुलाइजर दे रही हैं, और ये रोती नहीं है। इससे जुखाम खांसी में बच्चों को आराम मिलता है।